वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बेसिक मैथ्स में एक और नया सेक्शन चालू कर रहे हैं जिसका नाम है लॉगरिथम, है ना। अब ये लॉगरिथम क्या होता है इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। तो देखिए, जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई 10 की पावर x है और इसकी वैल्यू जो है बच्चों वो 100 है, तो मैं आपसे पूछूं x की क्या वैल्यू है, तो आप बहुत आसानी से बता दोगे कि 10 की पावर x कितनी होनी चाहिए कि उसकी वैल्यू 100 मिले। तो आप बोलोगे सर x 2 होना चाहिए, या फिर मैं आपसे बोलूं 2 की पावर कितनी हो ताकि हमें जो वैल्यू है वो आपको 8 मिले, तो भी आप बहुत आसानी से बता दोगे कि 2 की पावर कितनी हो कि वैल्यू आपको 8 मिले, तो वो x की वैल्यू होगी बच्चों 3, है ना। 2 की पावर 3 होगी तभी तो वैल्यू 8 मिलेगी, तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 होगी। या फिर मैं आपसे पूछूं कि 3 की पावर कितनी हो कि आंसर आपको 81 मिले, तब भी आप बता सकते हो बहुत आसानी से कि 3 की पावर कितनी हो कि आंसर आपको 81 मिले, तो आप बोलोगे सर x की वैल्यू 4 होनी चाहिए। लेकिन इसी की जगह अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 की पावर x की वैल्यू कितनी हो ताकि हमारा जो आंसर है वो 27.2 हो, अब x बताओ आप। अब x निकालने में बहुत दिक्कत होगी, यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट पता था इसलिए आपने बता दिया, लेकिन अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि अब पावर क्या है, क्योंकि वैल्यू तो डेसिमल पॉइंट्स में है और इनके बीच का डायरेक्ट रिलेशन हम नहीं जानते, तो x बता पाना बड़ा ही मुश्किल काम है। वैसे मैं आपसे बोलूँ कि 2 की पावर x कितनी हो ताकि वैल्यू 1.7 हो, तो कैसे बताओगे आप x। या फिर मैं बोलूँ 3 की पावर आपका x है और उसकी वैल्यू है आपकी 9.7, अगर 9 होता तो बता देते, 9.7 की लिए x की वैल्यू क्या होगी, पावर क्या होगी, ये थोड़ी ना बता सकते हो आप। तो देखो, ये जो 10 है, 2 है, 3 है, जिसकी पावर x है उसको हम बोलते हैं बेस, और ये जो x जो हो गई वो आपका पावर है, और जो इक्वल्स टू में इस साइड आया है वो वैल्यूज है। अब आपको अगर वैल्यूज और पावर में डायरेक्ट रिलेशन पता है तो आप एक्स की वैल्यू बता दोगे, वैल्यू और बेस में अगर आपको डायरेक्ट रिलेशन पता है तो पावर की वैल्यूज आप बता दोगे, पावर का आंसर बता दोगे। लेकिन अगर नहीं पता है डायरेक्टली तो फिर आप नहीं निकाल सकते, तो फिर उस कंडीशन में आप किसका यूज करते हैं, तो ऐसी कंडीशंस के लिए हम यूज करते हैं यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगरिथम, यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगरिथम ऐसे कंडीशंस के लिए, है ना बच्चों। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, लॉगरिथम, है ना। तो ये बात आपको क्लियर होगी, यानी कि हमें लॉगरिथम कब यूज करना है, जब हमें बेस और वैल्यू में कोई डायरेक्ट रिलेशन ना पता हो, है ना, तो हमें पावर निकालने में तकलीफ होगी। तो वैसे पावर नहीं निकाल पाओगे आप, कंसेप्चुअली पावर नहीं निकाल पाओगे, या फिर इस तरीके से नहीं निकाल पाओगे जैसे आप पहले सोच पा रहे थे। तब हमें कौन हेल्प करता है, लॉगरिथम का कंसेप्ट हेल्प करता है ना, और ऐसा कई बार फिजिक्स में होता है, इसलिए वहां पे आपको लॉगरिथम यूज करना पड़ेगा। फिजिक्स में नहीं, इवन केमिस्ट्री में भी आपको यूज करना पड़ेगा लॉगरिथम का कंसेप्ट, और मैथ्स में तो है ही, तो मैथ्स का ही टूल है, तो मैथ्स में तो हो गई, है ना। तो ये हर जगह पे आपको काम आएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है लॉगरिथम। तो चलिए, अब लॉग की डेफिनेशन क्या होती है, लॉगरिथम को कैसे एक्सप्लेन करते हैं वो हम देख लेते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लॉगरिथम में अगर हमें वैल्यू पता है और बेस पता है तो हम पावर निकाल सकते हैं ना। अब वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बेस कुछ भी हो सकता है, तब भी हम पावर निकाल सकते हैं ना, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है, लॉगरिथम। अब देखो इसको डिफाइन कैसे किया गया, तो जैसे मैंने आपसे बोला गया बोला कि अगर इफ आपके पास इस तरीके से कंडीशन है ए की पावर एक्स इज इक्वल्स टू बी, तो यहाँ पे बच्चों ए क्या है, तो ए आपका बेस है ना। एक्स क्या है बच्चों, तो एक्स आपकी पावर है, बेस की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, और बी जो है वो आपकी वैल्यू है, जो वैल्यू आएगी, है ना। देन हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो देन लॉगरिथम इज डिफाइंड एज लॉग बेस, बेस कितना बच्चों, लॉग ऑफ बेस ए, और वैल्यू कितना है बच्चों, बी इज इक्वल्स टू, ये हमें क्या दे देगा बच्चों, पावर। अगर हम ऐसे लिखेंगे लॉग की बेस ए और वैल्यू कितनी है बच्चों, बी, तो इक्वल्स टू वो हमें क्या दे देगा, पावर, है ना। तो इस बात को आप याद रखेंगे अच्छे से, और इसको रीड करेंगे
रीड कैसे करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन है इसको कैसे रीड करेंगे बच्चों? तो हम रीड करेंगे लॉग बी, है ना, लॉग बी टू द बेस ए इज इक्वल टू एक्स। मतलब लॉग की वैल्यू बी किस बेस पर, ए बेस पर, वो किसके बराबर होगी, पावर के बराबर, है ना बच्चों? यानी कि जब हम लॉग लिखते हैं तो लॉग में यहाँ पर बेस आता है, यहाँ पे आपकी वैल्यू आती है, और इस वैल्यू के लिए जो बेस है उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे आपकी एक्स मतलब पावर आता है। तो याद रखेंगे इस बात को, बेस वैल्यू इक्वल्स टू पावर। तो आपको लॉग पावर दे देगा। अगर हमें बेस पता है, हमें वैल्यू पता है, तो हमें क्या मिल जाएगी बच्चों, उसकी पावर मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो इस तरीके से हम लॉग को यूज करते हैं। तो आई होप आपको लॉग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो देखो बच्चों, मैंने आप लोगों को लॉग की बेसिक डेफिनेशन समझा दी है, ठीक। अब हम क्या करें, अगर अब हम आगे बढ़ें तो देखो, इन नंबर्स को भी आप चाहो तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो ना। एग्जाम्पल के तौर पर आपको जैसे मैंने बोला था, टेन एक्स इक्वल्स टू 100 है, तो x की वैल्यू 2 है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, 10 100 वैल्यू टू दी बेस 10 इज इक्वल्स टू पावर कितनी आएगी बच्चों, 2 आएगी। तो log 100 की बेस 10 का पावर कितना होगा बच्चों, 2। तो log 100 टू दी बेस 10 इक्वल्स टू 2। वैसे आप उसको भी लिख सकते हैं, log 8 टू दी बेस 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, 3। वैसे ही आप लिख सकते हैं लॉग कितना बच्चों, 81 टू दी बेस 3, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, है ना। वैसे जब आप इसको देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं बच्चों, लॉग 27.2 टू दी बेस 10 इज इक्वल्स टू, अब ये वैल्यू आपकी x आएगी, है ना। अब इस x को कैसे निकालेंगे वो हम धीरे धीरे आप सीखेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू कैसे आएगी उसको हम सीखेंगे, है ना। तो आगे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज के थ्रू हम समझते हैं कि ऐसी वैल्यूज फिर कैसे निकाली जा सकती है, ठीक बच्चों? तो इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जो लॉग है वो लॉग दो तरीके का होता है ना, दो प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ लॉग, उसको हम देख लेते हैं वो दो प्रकार कौन कौन से होते हैं ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टाइप्स ऑफ लॉगरिथम, है ना, दो टाइप के लॉगरिथम होते हैं। तो कौन कौन से टाइप का होता है बच्चों, देखो आपको समझ में आएगा। पहला जो टाइप है वो है कॉमन लॉग, कॉमन लॉग, है ना। और दूसरा जो है वो होता है नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग जो हम यूज करते हैं फिजिक्स में, ज्यादातर आपका नेचुरल लॉग यूज होता है, और मैथ्स में ज्यादातर आपका कॉमन लॉग यूज होता है ना। अब ये कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग क्या है, तो कॉमन लॉग में आपको बता दूं, कॉमन लॉग तब बोलते हैं जब आपका जो बेस होगा बच्चों, बेस वो 10 होगा। तो बेस अगर 10 होगा तो जो लॉग है वो कॉमन लॉग कहलाएगा। यानी कि अगर आपको सोचो कि ऐसा दिया हो कि लॉग 2 और इसकी वैल्यू निकालनी, तो कभी भी आपको लॉग 2, लॉग ए, लॉग एक्स कुछ भी दिया, अगर नीचे बेस नहीं लिखा है, इसका मतलब वो कॉमन लॉग है। और 95% जगहों पर यही यूज होता है, कॉमन लॉग 10 की बेस वाला, है ना बच्चों। तो आपको याद रखना है कि अगर बेस आपको गिवन नहीं है और कुछ भी पूछा गया है, तो वो कैसा लॉग होगा बच्चों, वो आपका कॉमन लॉग होगा, मतलब उसकी बेस कितनी होगी बच्चों, 10 होगी, है ना। तो इसको हम बोलते हैं कॉमन लॉग, जब बेस आपका कितना होता है, 10। और नेचुरल लॉग कब बोलते हैं, जब आपका बेस होता है बच्चों ई, जहां पे ई को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल नंबर, एक्सपोनेंशियल नंबर, है ना। अब ये ई एक्सपोनेंशियल नंबर क्या होता है, तो जैसे बच्चों आपने पाई को सुना है ना, पाई कैसा पाई क्या होता है, जैसे पाई एक कांस्टेंट नंबर है 3.14, और भी डॉट 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 जाता जाता है ना, ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ऐसा आपने सीखा होगा, बट ये एक कांस्टेंट नंबर है। वैसे ही आपका ये जो एक्सपोनेंशियल नंबर है, ये भी एक कांस्टेंट नंबर है, जैसे पाई है उसी की तरह है, और काफी जगहों पे ये यूज होता है, बाकी डिटेल में आपको मैथ्स में पढ़ाया जाएगा इसका, है ना। तो आप तो ऐसा समझो कि जैसा पाई होता है कांस्टेंट नंबर,
वैसे ही आपका एक्सपोनेंशियल भी एक कांस्टेंट नंबर होता है और ये भी नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता है, 2.71 डॉट 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 डॉट। लेकिन हम इसकी वैल्यू, जैसे पाई की वैल्यू 3.14 यूज करते हैं, वैसे हम इस एक्सपोनेंशियल की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.71 यूज कर लेते हैं, और कभी कभी तो 3 भी यूज कर लेते हैं ना, अगर अप्रोक्सीमेट आंसर लाना है। और अगर एग्जैक्ट आंसर लाना है तो आप 2.71 इसकी वैल्यू को यूज कर सकते हो। ठीक, तो ये जब बेस ई होगा तो वो नेचुरल लॉग होगा, और कोई बेस ना दिया जाए तो वो कॉमन लॉग है, यानी बेस 10। तो अगर कोई बेस अगर आपको नहीं दिया है तो आपको समझ लेना है कि वो 10 बेस पर आधारित है। लॉग लिखा हो तो आपको समझ जाना है कि वो 10 बेस पर है, कॉमन लॉग है। नेचुरल लॉग बेस ई पे होगा, तो नेचुरल लॉग को आप ऐसे दर्शाएंगे, लॉग बेस ई कोई भी वैल्यू है, मान लो 100। अब इसकी जो भी वैल्यू दे, जो भी पावर होगी वो हम तो बाद में निकालना सीख ही लेंगे, तो लॉग ई के बेस पर 100। तो ये कौन सा लॉग हो गया बच्चों? नेचुरल लॉग। लेकिन मैं आपको बताऊं तो ऐसा लिखा नहीं जाता नेचुरल लॉग को, किताबों में देखेंगे या जब आपको पढ़ाया जाएगा तो इसको ln लिखते हैं, नेचुरल लॉग को ln, ln 100। तो यहाँ पे हम बेस नहीं लिखते हैं, है ना बच्चों, मतलब लॉग ई 100 ऐसे नहीं लिखेंगे, ln 100 लिखा करेंगे। ln का मतलब ही है नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग का मतलब उसकी बेस क्या है बच्चों? ई है, एक्सपोनेंशियल नंबर। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। कॉमन लॉग है, लॉग सिर्फ यूज किया गया, तो आपको समझ जाना है कि 10 बेस पर बात की जा रही है, 10 का बेस है। और ln log, ln कुछ भी दिया है, ln, तो इसका मतलब नेचुरल लॉग है, और ln में बेस किसका होगा बच्चों? e का होगा, एक्सपोनेंशियल नंबर का, है ना। तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते। तो देखिए बच्चों, अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे ना, तो आपको कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए। अगर वो वैल्यूज आपको याद रहेंगी, है ना, तो आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो और कैलकुलेशन कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो ना इजीली तरीके से। इसलिए यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज लिख रहा हूँ, वो वैल्यूज आप लोग याद रख लें तो बहुत ही अच्छा है। तो मैं ऊपर हेडिंग डाल देता हूँ, वैल्यूज ऑफ कॉमन लॉग, है ना, कॉमन लॉग की कुछ वैल्यूज हैं जो आपको याद होना चाहिए, और अगर वो याद होंगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना, और बहुत अच्छे से आपके क्वेश्चंस भी बन जाएंगे। तो कॉमन लॉग की कुछ वैल्यूज है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि लॉग कॉमन लॉग है तो बेस आपको पता है, कॉमन लॉग तो तभी होता है बच्चों जब बेस क्या होता है? 10। ये मैं अभी आपको समझा चुका हूँ। तो जैसे अगर मैं बोलूं लॉग ऑफ 1, तो क्या वैल्यू होगी बच्चों, क्या पावर होगी? मतलब लॉग ऑफ 1 जो है, लॉग 10 बेस पे 1 है, 10 बेस है, उसकी वैल्यू 1 है, तो पावर कितनी होगी बच्चों? तो 0 होगी, ऑब्वियस सी बात है, ऐसे ही होगा ना। किसी भी चीज की पावर अगर 0 होगी तभी तो 1 होगा। तो यहाँ पे 10 के बजाय कोई भी बेस हो, लॉग का कोई भी बेस हो, उसकी वैल्यू तभी 1 होगी जब पावर 0 होगी। तो लॉग किसी भी बेस को ले लो, ये सिर्फ 10 के लिए नहीं बता रहा हूं, आप किसी भी बेस पे ले लो, लॉग एट एनी बेस हैज वैल्यू 1, इसका मतलब उसकी पावर क्या है? 0। तो लॉग ऑफ एनी बेस वैल्यू 1 है, तो उसकी वैल्यू क्या, उसकी पावर क्या होगी बच्चों? 0। तो वो हमेशा इक्वल्स टू 0 के बराबर होगा। तो ये बात आपको याद रखना है, किसी भी बेस पर वैल्यू अगर 1 है तो उसका आंसर 0 होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो वैसे ही 10 की बेस पर भी 1 वैल्यू है तो उसकी उसका जो आंसर है वो कितना होगा बच्चों? 0 होगा। उसके बाद ध्यान से देखो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉग 1 की वैल्यू हमें याद रहेगी, वैसे ही हम यहाँ पे लॉग 2 की वैल्यू भी याद रखेंगे न्यूमेरिकल पर्पस के लिए। तो अगर लॉग 2 की एग्जैक्ट वैल्यू हम निकालें तो ये 0.3010। अब आप बोलोगे सर ये कैसे निकालें? निकालते हैं हम लोग, तो ये हमने निकाल के कैलकुलेट करके रखा हुआ है, और हमने एक लॉग टेबल बना दी है, ऐसे लॉग टेबल, ताकि कोई भी बच्चा उस लॉग टेबल को देखकर वो वैल्यू लिख पाए। लेकिन अब क्या हो गया बच्चों, लॉग टेबल जो है वो पहले एग्जाम में प्रोवाइड की जाती थी, लेकिन अब प्रोवाइड नहीं की जाती लॉग टेबल। अब आपको कोई भी टेबल नहीं मिलती है, ना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मिलती है, ना लॉग लॉग टेबल मिलती है, और कैलकुलेटर तो वैसे भी आपको अलाउ नहीं है एग्जाम्स में, है ना, 11th 12th के एग्जाम्स में। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो मैं ये वैल्यूज बोल रहा हूँ वो आप नोट कर लें और उसको याद कर लें, ताकि जब न्यूमेरिकल आए तो अगर इतनी वैल्यूज जितनी मैं बोल रहा हूँ अगर वो आपको याद है तो आपसे बहुत इजीली क्वेश्चंस बन जाएंगे, है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आप चाहें तो अगर एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं कर पा रहे हैं तो आप अप्रोक्सीमेट कर लो, इसको अप्रोक्सीमेशन से हम 0.3 लिख सकते हैं ना, याद रखना।
लॉग टू की वैल्यू अगर 0.3010 भी याद ना हो आपको, तो आप ऐसा याद रखो लॉग टू की वैल्यू 0.3 के आसपास होती है। 10 बेस पे होती है बच्चों, लेकिन कॉमन बेस पे चल रहे ना, 10 बेस पे, किसी और बेस पे नहीं। कोई दूसरा बेस आ जाएगा तो फिर ये वैल्यूज बदल जाएंगी, मतलब ये पावर्स बदल जाएंगी, ये बात याद रखना आप। तो 0.3 अप्रोक्सीमेटली भी आप यूज कर सकते हो। वैसे ही आपको लॉग थ्री की वैल्यू भी याद होनी चाहिए, बेसिकली आपको लॉग फाइव तक अच्छे से याद होना चाहिए, तब आपका काम बनेगा। तो लॉग थ्री की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाती है बच्चों कितना, जब आप देखेंगे टेबल में तो 0.4771, और इसको अप्रोक्सीमेटली आप 0.5 यूज कर सकते हो, है ना। देखो ये 5 के क्लोज है, अगर इसको राउंड ऑफ करें तो 0.5 के पास आप इसको यूज कर सकते हो। वैसे ही लॉग फोर की वैल्यू भी, लॉग फाइव तक तो आपको अच्छे से याद होना ही चाहिए, लॉग फोर की वैल्यू होती है 0.6020, और उसको अप्रोक्सीमेटली हम लिख सकते हैं कितना बच्चों, 0.7, है ना, सॉरी 0.6 लिख सकते हैं, 0.6, है ना। इसको अप्रोक्सीमेटली आप 0.6 लिख सकते हो राउंड ऑफ करने के बाद। वैसे ही आपको किसकी वैल्यू याद होनी चाहिए बच्चों, लॉग फाइव की। लॉग फाइव की वैल्यू होती है 0.6989, और अप्रोक्सीमेटली इसको यूज कर सकते हो आप 0.7, है ना। तो आप देख लो, जीरो लॉग टू की वैल्यू 0.3 है, लॉग थ्री की वैल्यू 0.5 है, लॉग फोर की वैल्यू 0.6 है, लॉग फाइव की वैल्यू 0.7 है। तो लॉग थ्री, लॉग फोर, लॉग फाइव, इनकी वैल्यू तो आप ऐसे याद कर लो कि इसमें दो दो जुड़ जाएंगे। तो लॉग थ्री में, थ्री में दो जुड़ गया तो 0.5 हो गया, फोर में दो जुड़ गया तो 0.6 हो गया, फाइव में दो जुड़ गया तो 0.7 हो गया। तो इस तरीके से याद रखेंगे आप, है ना बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप ध्यान से देखो, तो इसके आगे की वैल्यू भी अगर आपको याद हो जाए तो फिर तो बहुत ही अच्छा है, फिर आपसे न्यूमेरिकल में कभी आप अटकोगे नहीं, जब भी लॉग आएगा। और नहीं याद हो तो कम से कम लॉग फाइव तक तो आपको याद होना चाहिए। जैसे मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू अब लिख रहा हूँ, है ना, अब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू तो आपको फाइव तक याद होनी चाहिए तो काम बन जाएगा। अब जो एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू है लॉग सिक्स की, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है लॉग सिक्स की होती है बच्चों 0.8, है ना। और फिर लॉग सेवन की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो होती है 0.85, और फिर जो लॉग अप्रोक्सीमेट वैल्यू है एट की, लॉग एट, तो लॉग एट की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 0.9, और लॉग नाइन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है बच्चों कितना, लॉग की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है कितनी, लॉग नाइन की 0.95। अगर आपको ये भी याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, अप्रोक्सीमेशन है ना। एग्जैक्ट वैल्यू तो आपको टेबल पे मिल जाएंगी, या फिर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना, लेकिन जब सवाल आएगा तो हम उसको अप्रोक्सीमेटली लिखकर आंसर कैलकुलेट कर लेंगे, तो आपको आंसर दिख जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप चाहो तो इसको याद रख सकते हो। और लास्ट आपको पता ही है, लॉग 10 की बेस तो है ही और वैल्यू भी 10 है, तो इसकी वैल्यू, इसकी पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, 1। और ये सिर्फ 10 के लिए नहीं है, कुछ भी हो, आपका लॉग ए और वैल्यू भी ए हो तो ये तभी हो सकता है जब पावर 1 हो, है ना। तो ये दोनों चीज मैंने किसी भी लॉग के लिए लिखी गई है, तो ये दोनों आप याद रखना, है ना। लॉग किसी भी बेस पर जो 1 होती है उसका जो आंसर आता है वो 0 आता है, और लॉग ए बेस पर, ए वैल्यू पर जो आंसर आता है वो 1 आता है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। तो इस तरीके से आप 0 से लेकर 10 तक की वैल्यूज को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि सर, मतलब आप लोग पूछोगे कि सर जो हमने पीछे आंसर दिया था, चलिए हमने इतनी वैल्यूज याद भी कर ली, तो जो हमने पीछे आंसर लिखा था कितना, मतलब पीछे क्वेश्चन पूछा गया था लॉग 10 बेस पर 27.2, है ना बच्चों, 27.2 लिखा था, 27.2, इसकी क्या, इसका क्या आंसर होगा, यानी 10 बेस पर वैल्यू 27.2 है तो इसकी पावर क्या होगी, है ना। तो ये भी हम निकाल सकते हैं अगर ये हमें अच्छे से आता है, ठीक है। अब वो कैसे निकाल सकते हैं, तो वो मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा लॉग की, उसके बाद आपको क्लियर होगा कि हम इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं। ये तो मैंने आपको कुछ वैल्यूज बता दी कि ये अगर ये याद है आपको तो बहुत आसानी से आपका कैलकुलेशन हो जाएगा, और याद रखना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, आप देख पा रहे हो बहुत इजीली आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं, ठीक है बच्चों।
देखिए बच्चों, अब मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग बता देता हूँ, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज का बड़ा ही उपयोग होगा सब में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री, मैथ्स में, है ना। और प्रॉपर्टीज से ही आप लॉग को लगाना सीख पाएंगे और आंसर निकालना सीख पाएंगे, है ना। बाकी मैं आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, आपको प्रॉपर्टीज याद रखना है, प्रूफ वगैरह तो आपको मैथ्स में करा दिया जाएगा। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर आपका ऐसा है लॉग, अच्छा यहाँ पे बेस कुछ भी हो, टेन हो, ई हो, या कोई दूसरा बेस हो, सारे बेसिस के लिए ये जो प्रॉपर्टीज मैं आपको बता रहा हूँ वैलिड है। इसलिए मैंने कॉमन बेस कोई ए ले लिया है, मतलब कोई भी बेस ए के लिए ये वैलिड है ना। तो आपको ये नहीं देखना है कि टेन बेस के लिए वैलिड होगा कि ई बेस के लिए वैलिड होगा, जो मैं ये प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ ये किसी भी बेस के लिए वैलिड है। तो आप ध्यान से देखो, अगर कोई भी लॉग किसी बेस ए पर, अगर आपका ऐसा कुछ है कि ए की पावर एन है ना, मतलब कोई भी आपकी वैल्यू है बी और उसकी पावर एन है, इस तरीके से दिया है ना। तो इसको आप बहुत इजीली क्या कर सकते हो बच्चों, बहुत इजीली आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। और ये जो पावर होती है ना बी की वैल्यू में, जो पावर है एन, ये लॉग के बाहर आ जाता है ना बच्चों। तो इस बात का याद रखना, ये लॉग के बाहर आ जाएगा। तो लॉग ए बेस पर बी की पावर एन को आप लिख सकते हो एन टाइम्स लॉग बेस ए एंड वैल्यू बी, मतलब लॉग बी टू द बेस ए, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो याद रखेंगे, जब भी वैल्यू में पावर आएगी तो पावर को आप बाहर ले सकते हो। जैसे हम साथ में एग्जाम्पल भी करते जाते हैं तो हमें थोड़ा बहुत समझ में भी आएगा कि ये कैसे काम करता है। तो जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेके बताता हूँ कि अगर आपसे जैसे बोला जाए कि भाई हमें वैल्यू बताओ लॉग 20 की, बेस 10 है और लॉग 20 है, कैसे बताओगे? तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप लॉग 20 जो है उसको क्या लिख ले बच्चों, लॉग, अगर बेस नहीं दिया वो तो 10 बेस है, और 20 को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, 20 को देखो आप क्या लिख सकते हो, 20 को आप लिख सकते हो, तो देखिए बच्चों ये लॉग जो 20 है ये दूसरी प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना। तो ये इस वाली प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल नहीं है, बी की पावर एन वाला, है ना। इसके लिए हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे समझते हैं तो आपको प्रॉपर्टी भी समझ में आती जाएगी। जैसे मैं आपसे पूछता कि लॉग 16 की वैल्यू क्या है बच्चों बताओ, लॉग 16 की वैल्यू तो ऐसे निकाल नहीं पाओगे और टेबल आपको गिवन नहीं है, लेकिन मैंने आपको बोला किसकी वैल्यू याद रख लो बच्चों, लॉग 2 की वैल्यू। ये सारी वैल्यूज अगर याद है तो काम बन जाएगा। तो लॉग 16 को क्या लिख सकते हो आप बच्चों, तो 16 को लिख सकते हो ना 2 की पावर 4, 16 को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, 2 की पावर 4। तो यहाँ पे अगर 2 की पावर 4 है तो देखो ये वही बन गया ना, लॉग बेस ए पर बी की पावर एन, तो एन को कहाँ ले जा सकते हो, लॉग के बाहर। तो लॉग 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, ये 4 जो पावर है ये लॉग के बाहर आ जाएगा इनटू लॉग 2, और लॉग 2 की वैल्यू मैंने आपको बताया कि याद कर लो, है ना, तो उससे आसानी हो जाएगी। तो लॉग 2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी है बच्चों, 0.3, और अगर आप चाहो तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहो तो 0.3010 रखो, तो 0.3 × 4 करोगे तो 1.2 आ जाएगा। तो ये आपका किसका आंसर हो गया बच्चों, लॉग 16 का। तो इस तरीके से आप किस कौन सी प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो बच्चों, जो वैल्यू में पावर वाली प्रॉपर्टी है ना, तो इसको आप लोग ऐसे यूज कर लोगे बच्चों। हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है देखिए, जैसे मैं आपसे बोलूं कि लॉग कोई भी बेस ए, मैंने आपको अभी बताया कि किसी बेस पर ये सारी प्रॉपर्टीज वैलिड है, तो यहाँ पे आपको ऐसा लिखा जाए एम इंटू एन, देखो यानी आपका प्रोडक्ट फॉर्म में जो वैल्यू है वो अगर प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाए तो आप इसको बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, इसको आप प्लस में ला सकते हो लॉग में, ये लॉग की खासियत होती है। तो प्लस ऐड करना ज्यादा सिंपल होता है किसके मुकाबले में, मल्टीप्लाई करने के। तो लॉग कितना हो जाएगा बच्चों, लॉग का बेस ए इंटू एम प्लस लॉग बेस ए वैल्यू एन, यानी लॉग एन टू द बेस ए, है ना। तो ये इस तरीके से आप लिख सकते हो, प्रोडक्ट में है तो उनको सम में लिख सकते हो, लॉग में ये हमें बेनिफिट है। तो यहाँ पे देखो ये जो एग्जाम्पल है ये इसका एग्जाम्पल था, है ना, मैंने पहले वो ले लिया था लेकिन मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा था लॉग 20। जैसे लॉग 20 की वैल्यू अब डायरेक्टली तो पता नहीं और टेबल भी नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, 20 को लिख सकते हो 2 × 10, लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों। तो लॉग 20 को फिर क्या लिखा जा सकता है, लॉग 20 इज इक्वल्स टू ये 2 × 10 है ना, एम इंटू एन, तो हम ऐसा कर लेते हैं, ये हो जाएगा लॉग 2 और प्लस
लॉग 10 मल्टीप्लाई वाला सम में बदल जाएगा लॉग 10। तो लॉग 2 की वैल्यू तो आपको पता ही है बच्चों, 0.3 है ना, और लॉग 10 की वैल्यू भी आपको पता है, देखो ये तो 1 ही है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 1.3। तो देखो लॉग 20 की वैल्यू निकल आई 1.3। ऐसे आप चाहो तो लॉग 30 की वैल्यू भी निकाल सकते हो, लॉग 30। तो लॉग 30 की वैल्यू कितनी होगी, उसको निकालने के लिए क्या करोगे आप, तो यहाँ पे आप कर सकते हो 30 को क्या लिख सकते हो बच्चों, 3 × 10। तो आप देखो यहाँ से लॉग 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, लॉग 30 इज इक्वल्स टू 3 × 10 है ना, तो लॉग 3 लिख सकते हैं प्लस लॉग 10 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। और लॉग 3 की वैल्यू आपको पता ही है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0.5। आप चाहो तो एग्जैक्ट वैल्यू यूज कर लेना है ना, अगर एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो। और लॉग 10 की वैल्यू तो 1 होती है, तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी 1.5। तो 1.3 और 1.5। अब देखो बच्चों, अगर ऐसा है, ये हमें पता चल गया, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो बहुत इजीली हम इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं जो मैं आपसे बोल रहा था, 27.2। देखो 27.2 आपको पता चल रहा है कि 20 और 30 के बीच में आ रहा है, 20 और 30 के बीच, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है ये किस किस के बीच में लाई करेगी, इसकी पावर 1.3 और 1.45 के बीच में। अब देखो बच्चों, 20 का 1.3 है और 30 का 1.5 है, तो log 25 अगर होता तो वो इनके बीच में होता बिल्कुल, 20 और 30 के बीच में, तो उसकी वैल्यू 0.4 होती, यानी कि 27 अब 25 से ज्यादा है। तो इसका मतलब कि 27.2 की जो वैल्यू है वो 0.4 समथिंग होगी, और 0.5 1.5 से कम होगी है ना, ये सॉरी 1 पॉइंट लिखना था मुझे भाई, इसकी वैल्यू log 20 की वैल्यू 1.3 है और log 30 की वैल्यू 1.5 है, तो log 25 की वैल्यू तो बीच में है, तो हम उसको लिख सकते हैं 1.4 है ना, 0.3 और 1.3 और 1.5 के बीच की जो वैल्यू हो गई वो आपका हो गया 1.4 है ना बच्चों। अब आप ध्यान से देखो तो ये 27 जो है वो 1.4 से ज्यादा होगा, क्योंकि ये 25 से तो ज्यादा है और 30 से कम है, तो 1.5 से कम होगा। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली ये जो वैल्यू होगी ये आपकी कितनी हो जाएगी बच्चों, 1.46 समथिंग हो जाएगी है ना, इस तरीके से। अब आपको जब ऑप्शन में दिखाई दे तो इसके आसपास जो आंसर होगा वो आपका सही हो जाएगा, जब ऑप्शन दिया जाएगा आपको है ना। तो इस तरीके से आप log 27.2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं बिना टेबल देखे, उसकी अप्रोक्स वैल्यू कैसी वैल्यू बच्चों, अप्रोक्स, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लोगे, लेकिन तब भी हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं, क्योंकि हमें लॉग टेबल गिवन नहीं होगा एग्जाम में, क्या गिवन नहीं होगा, लॉग टेबल, तो उसके हिसाब से बिल्कुल। और उसके बाद जो आपका आंसर आएगा तो वो आंसर आपका बिल्कुल जो ऑप्शन होंगे उससे मैच करेगा, मतलब थोड़ा बहुत मैच करेगा, जो सबसे क्लोज आंसर होगा वही आपका आंसर सही होगा, तो उसको आप टिक कर सकते हो है ना। तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं बच्चों है ना। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी और ये प्रॉपर्टीज भी क्लियर होते जा रही होंगी कि हमें कैसे यूज करना है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करूं तो जो थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी लॉग की, वो ऐसा है, अब जहां पे आपकी वैल्यू लिखी जाती है वहां पे डिवीजन फॉर्म में m/n अगर इस फॉर्म में, तो फिर वो लॉग में माइनस हो जाता है ना, तो याद रखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं log a m - log n^n है ना। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी कई जगहों पे यूज हो जाता है ठीक। फिर उसके बाद फिर मैं आपको फोर्थ प्रॉपर्टी अगर बताऊं तो जैसे कि ये चीज कहाँ पे यूज आ जाती है, अगर मैं इसका एग्जांपल दूं ये डिवीजन रूल का, तो आप देखो ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा दे दिया जाए, कभी ऐसी वैल्यू आ जाए न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय कि log 2/3 निकालना पड़ जाए। अब log 2/3 की वैल्यू क्या होगी ये निकालना पड़ जाए, तो इसको कैसे निकालोगे आप, तो आप डिवीजन रूल लगा दो जो अभी हमने सीखा, log 2 - log 3। तो लॉग टू की वैल्यू पता है बच्चों, अप्रोक्सीमेट मैं निकाल रहा हूँ है ना, एग्जैक्ट के लिए आप एग्जैक्ट वैल्यूज का यूज कर सकते हैं, -0.5, तो ये हो जाएगा -0.1 -0.2 सॉरी है ना। तो इस तरीके से चाहे तो आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो कितने आसानी से निकल आया, प्रॉपर्टीज अगर हमें पता है तो हम बहुत सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं ना, इसलिए प्रॉपर्टीज का बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है, इंपॉर्टेंस रखता है वो है ना।
उसके बाद अगर हम देखें तो और क्या प्रॉपर्टीज है बच्चों, तो जैसे एक और प्रॉपर्टी है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है लॉग, अगर आपका बेस ए है ना, बेस ए है और वैल्यू बी है, और आप चाहते हो कि बेस जो है वो बी हो जाए और वैल्यू ए हो जाए, मतलब वैल्यू और बेस इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंज, तो अगर आप इंटरचेंज करोगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, रेसिप्रोकल यानी कि बेस अब बी हो जाएगा और वैल्यू ए हो जाएगी, ऐसे रेसिप्रोकल हो जाता है ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे बोलूं कि लॉग जो है उसका बेस ए है और वैल्यू बी है, और आप चाहते हो कि वैल्यू आपका ए हो जाए और बेस आपकी बी हो जाए, तो आपको क्या करना है, उसको रेसिप्रोकल कर लेना, रेसिप्रोकल। तो इन दोनों की वैल्यू सेम होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा कब यूज करना पड़ेगा आपको, तो मैं वो भी बता देता हूँ आपको। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको इस तरीके से कंडीशन आ गई, आपसे बोल दिया जाए कि लॉग 5 बेस पर 10 की वैल्यू निकालो, लेकिन लॉग 5 बेस पर 10 की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, और हमें जब टेबल दी जाती है तो टेबल में भी हमें 5 बेस की टेबल नहीं दी जाएगी, टेबल आपकी हमेशा कौन से बेस की रहेगी बच्चों, 10 बेस की। याद रखना, जो स्टैंडर्ड टेबल होती है लॉग की वो 10 बेस पे ही होती है, वो किसी दूसरे बेस पे होती ही नहीं है। तो लेकिन अब यहाँ पे तो 5 बेस है और 10 की वैल्यू पूछा है, लेकिन मुझे तो 10 बेस पे वैल्यू पता है, तो यहाँ पे मुझे ये जो वैल्यू दी है इसको बेस बनाना पड़ेगा, और जो बेस है उसको वैल्यू बनाना पड़ेगा, तो मैं क्या कर लूंगा, इसका रेसिप्रोकल कर दूं, तो ये हो जाएगा लॉग आपका 10 बेस पर 5, तो इसका जो वैल्यू होगा इसका रेसिप्रोकल का भी वही वैल्यू होगा, आंसर वही होगा। अब आप निकाल सकते हो भाई, लॉग 10 पर 5, तो लॉग 5 की वैल्यू आपको पता है 0.7, तो इसकी वैल्यू हो गई 0.1 अपॉन 0.7, और फर्दर आप सॉल्व कर लो तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो देखो ये वाली प्रॉपर्टी भी कितनी हेल्पफुल है कि हमारे हमें जिस बेस पर वैल्यूज पता है, जिनका आंसर हमें पता है ऑलरेडी, तो हम उन बेस को भी बदल सकते हैं, है ना, उनको भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो याद रखेंगे इस तरीके से आप इस प्रॉपर्टी का यूज करोगे। तो देखिए बच्चों, अब हम फिफ्थ प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, और फिफ्थ प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और बड़ी काम की प्रॉपर्टी है ना, इसलिए उसको अच्छे से देखें। तो जो हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है उसको हम बेस चेंज प्रॉपर्टी बोलते हैं, बेस चेंज प्रॉपर्टी, है ना, बेस चेंज प्रॉपर्टी। तो देखिए इस प्रॉपर्टी को क्या कह इस प्रॉपर्टी का क्या कहना है। जैसे मान लीजिए आपका ये है लॉग बी टू द बेस ए, लेकिन मान लीजिए कि हमें ना लॉग का जो बेस है ए, ना उसके टर्म्स में बी की वैल्यू पता है, ना लॉग बी के बेस पर ए की वैल्यू पता है, नहीं तो हम रेसिप्रोकल कर लेते जैसे हमने पहले किया। अब ये कुछ वैल्यूज अलग ही हैं, अलग ही हैं। जैसे ऐसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लेके चलें, तो कुछ इस तरीके का आपको सिचुएशन दिया गया है कि भाई लॉग जो आपका है वो मान लीजिए ऐसा दे दिया गया है कि लॉग 2 5 ऐसा दे दिया है। अब देखो ये दोनों ही 10 बेस पे नहीं है, आप इसका रेसिप्रोकल भी करोगे, बेस को चेंज करोगे किससे बच्चों, वैल्यू से, और वैल्यू को चेंज करोगे बेस से, तब भी 10 के बेस पे नहीं आया आंसर, और हमें जो वैल्यूज पता है वो 10 के बेस पे पता है ना बच्चों। तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो इसके लिए हमें ये फॉर्मूला, ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बेस चेंज प्रॉपर्टी। अब बेस चेंज प्रॉपर्टी क्या होता है कि हम किसी भी नए बेस का इंट्रोडक्शन कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी नया बेस ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे नया बेस सी लाना है, सी, कोई भी नया बेस सी, वो सी 10 भी हो सकता है, वो सी ई भी हो सकता है, वो सी कोई भी वैल्यू हो सकता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नए बेस पर लॉग न्यू बेस सी की वैल्यू बी अपॉन लॉग न्यू बेस सी टू द वैल्यू जो आपका पहले का बेस है। मतलब हम लॉग बी टू द बेस ए को हम लिख सकते हैं लॉग बी टू द बेस सी, न्यू बेस सी अपॉन लॉग ए टू द न्यू बेस सी। तो देखिए वो न्यूमरेटर में जो वैल्यू है वो वैल्यू ही है, लेकिन डिनोमिनेटर में जो पहले पावर थी वो अब वैल्यू हो गई है, और नया बेस कोई सी आ गया है। तो ये जो प्रॉपर्टी है बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, काम की प्रॉपर्टी है, इसमें हमें
बहुत फायदा होता है, हम किसी भी बेस में इसको चेंज कर सकते हैं ना। अब जैसो ये प्रॉपर्टी से हम इसको सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो हमें जो वैल्यूज पता है वो 10 बेस पे पता है, तो हम यहाँ पे नया बेस 10 जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, जो वैल्यू है वो तो न्यूमरेटर में ही रहेगी, तो लॉग नया बेस हमने 10 ले लिया, वैल्यू 5 ले ली, अपॉन जो पहले आपका बेस बना था वो डिनोमिनेटर में वैल्यू के रूप में आ जाएगा, तो लॉग 2 टू द बेस कितना बच्चों 10। अब देखो लॉग 10 की बेस पर 5, ये आपको वैल्यू पता है अप्रोक्सीमेटली कितना है बच्चों 0.7, और लॉग 2 की वैल्यू, लॉग 2 की वैल्यू भी पता है आपको 0.3, तो आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको लॉग 2 की बेस पर 5 की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। लॉग 5 टू द बेस 5, लॉग 5 टू द बेस 2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी, पावर मिल जाएगी, है ना, क्या पावर रहेगी। तो ऐसे आप बहुत आसानी से बेस चेंज प्रॉपर्टी का उपयोग करके ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, न्यूमेरिकली सॉल्व कर सकते हैं, है ना बच्चों। अब जैसे कि और अगर हम आगे ध्यान दें, तो अगर मान लीजिए आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे बोलूं कि लॉग लॉग यहां पे मैं आपसे बोलूं कि 10x, है ना, लॉग एक्स की बेस, लॉग एक्स टू द बेस 10, और मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई लॉग लॉग आप यहां पे लिख लो लेट सपोज 7, है ना, तो लॉग 7 टू द बेस एक्स, इसकी क्या वैल्यू होगी। तो ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चों, जब भी ऐसे मल्टीप्लाई में आए और आपको दोनों लॉग में कोई चीज कॉमन दिख रही हो, पहले वो वैल्यू हो और बाद में वो बेस हो, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ये भी आप ध्यान से सीखें, है ना। तो ये भी आपका बेस चेंज प्रॉपर्टी से सॉल्व हो जाएगा। देखो अभी मैंने आपको बताया क्या, कि अगर हम बेस और वैल्यू को इंटरचेंज करते हैं तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो देखो यहाँ पे सी और ए को इंटरचेंज करो तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब ये ऊपर चला जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना बच्चों, कैसे, लॉग आपका सी इंटू, मतलब ये लॉग बी टू द बेस सी है और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे इंटू क्या बच जाए बन जाएगा बच्चों, लॉग ये दोनों को इंटरचेंज कर दो तो लॉग सी टू द बेस ए हो जाएगा, जो लॉग ए टू द बेस सी था जब हमने उसको इंटरचेंज किया तो रेसिप्रोकल हो गया, और क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था और उसका रेसिप्रोकल कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में। आप ध्यान से देखो, तो लॉग बी टू द बेस सी इंटू लॉग सी टू द बेस ए, इन दोनों का मल्टीप्लाई जब आपने किया तो इसमें जो कॉमन था, देखो बच्चों पहले यहां पर ये जो सी है ये बेस है और यहाँ पे ये जो सी है ये वैल्यू है, मतलब यहाँ पे सी वैल्यू है और एक बार बेस है, दोनों लॉग में, एक लॉग में सी वैल्यू है और एक लॉग में सी जो है वो बेस है, और उन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो यहां से सी गायब हो गया, जो कॉमन फैक्टर था, जो एक बार वैल्यू था एक बार बेस था, वो गायब हो गया, और यहाँ पे लॉग क्या आ गया बच्चों, जो यहाँ पे बेस है ए टू द वैल्यू, जो मतलब वैल्यू बी लॉग बी टू द बेस ए, जो बेस है ना। तो आप ध्यान से देखो, तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे कि मैं इसको फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपको बोला गया लॉग, यहाँ पे देखो सबसे पहले आपका जो वैल्यू है वो सी है, तो आप लिखोगे लॉग ए लॉग सी टू द बेस ए मल्टीप्लाइड बाई लॉग आपका बी टू द बेस सी इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो बच्चे, लॉग बी टू द बेस ए। तो देखो आपका यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर था सी, पहले सी क्या था, लॉग में वैल्यू था, और दूसरे लॉग में सी क्या है, बेस है, तो बेस और एक बार वैल्यू, जब इन दोनों लॉग का प्रोडक्ट हुआ तो जो आंसर आया उसमें जो सी है वो गायब हो गया, और बेस वही है जो पहले था, मतलब ए जो बेस है और वैल्यू वही है जो इस लॉग में थी, मतलब बी। तो आप देखो इसको भी बहुत आसानी सॉल्व कर सकते हो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें भी देखो पहले एक्स वैल्यू है, मतलब ये सी की जगह है ना बच्चों, और आपका फिर बाद में ये बेस है, तो ये आपका सी की जगह है, तो जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये दोनों गायब हो जाएगा, तो जब आप इसका आंसर लॉग में लिखोगे तो एक्स और एक्स तो क्या हो गए, गायब हो गया, वो तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ बच्चों आपका, देखो आप यहाँ पे बचेगा लॉग, यहाँ पे इन दोनों में
एक्स के अलावा बेस कौन था बच्चों? 10। तो लॉग 10 का बेस ही रहेगा, और इन दोनों में एक्स के अलावा वैल्यू कौन था? 7। तो यहाँ पे 7 रहेगा, और लॉग 7 की वैल्यू हम जानते हैं, देखो कितनी है, 0.85। तो ये जो बेस चेंज फॉर्मूला है, इसका आप डिवीजन फॉर्म भी याद रखें और प्रोडक्ट फॉर्म भी याद रखें, क्योंकि कई जगह पर आपको इस तरीके से वो हेल्प कर देता है ना। तो जब लेकिन दोनों याद रहेंगे तभी आपका आपको इसका फायदा मिलेगा, नहीं तो आपको फायदा नहीं मिलेगा, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज कितनी इंपॉर्टेंट है, और ये भी समझ में आया होगा कि ये जो मैंने वैल्यूज लिखी हैं ये भी कितनी इंपॉर्टेंट है ना कई सारे सवालों में, क्योंकि हमारे पास टेबल नहीं होता है। तो अगर ये वैल्यूज याद रह जाए तो बहुत ही अच्छा है, हमसे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल फिजिक्स में बन जाएंगे बहुत आसानी से, और हम कैलकुलेट भी कर पाएंगे, नहीं तो बच्चे छोड़ के आ जाते हैं उसको, कैलकुलेशन ही नहीं करते, है ना। उसको कैलकुलेट करना है तो ये सब आपको आना चाहिए, और प्रॉपर्टीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो तो मैंने आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाई दिया है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो आई होप आपको बात क्लियर है, तो इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग सीखेंगे कि नेचुरल लॉग अगर आपको दिया है और उसकी वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमारे पास टेबल नेचुरल लॉग का नहीं होता है, कॉमन लॉग का होता है, तो उसको कॉमन लॉग में कैसे चेंज किया जाए, क्योंकि फिजिक्स में आपका हर जगह पे नेचुरल लॉग ही यूज आएगा, लेकिन जब आप उसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि नेचुरल लॉग की टेबल नहीं है या नेचुरल लॉग की वैल्यूज आपको पता नहीं होती है, तो वहां पे कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो नेचुरल लॉग को कैसे कॉमन लॉग में कन्वर्ट किया जाता है उसका मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, है ना। तो जैसे कोई भी नेचुरल लॉग में आपको ln x दिया है, एक्स कुछ भी हो सकता है, और एल एन मतलब नेचुरल लॉग मैंने बोला है, तो नेचुरल लॉग की जो बेस है वो ई होती है, वो आपको पता है। तो अगर ऐसा एल एन एक्स दिया हुआ है तो इसको एल एन एक्स को उसमें कैसे कन्वर्ट करें, कॉमन लॉग में, मतलब बेस 10 में कैसे कन्वर्ट करें, तो इसका कन्वर्जन जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, 2.303 इंटू लॉग एक्स। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। तो ये फॉर्मूला बड़ा काम का है और बहुत जगह हेल्पफुल होता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं, तो आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। जैसे कभी आपने मान लीजिए रॉकेट प्रोपल्शन पढ़ा और वहां पे उसको सॉल्व किया, और आपको फाइनल जब आंसर आ रहा था तो वहां पे ln आपका 5 आ गया। अब इस ln 5 को कैसे सॉल्व करोगे, ln 5 की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे उसको, आप 10 बेस पे नोट कर लो, क्योंकि हमें ln 5 की वैल्यू 10 बेस पे पता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2.303 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो बेस है ई वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, 10 बेस पर, है ना। तो ये हो जाएगा log 5। अब log 5 की वैल्यू पता है, 2.303 इंटू log 5 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0.7, है ना। तो ये हमें याद है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको इसका आंसर आपको मिल जाएगा, है ना। तो कई बार फिजिक्स में जब हम न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो ln में आएगा हमारा रिजल्ट, लेकिन उसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे अगर हमें उसकी वैल्यू नहीं पता है और उसकी टेबल भी हमें नहीं दी जाती। तो हम सिर्फ क्या कर लेंगे उस समय पर, ये कन्वर्जन ऑफ नेचुरल लॉग इनटू कॉमन लॉग, इस वाले फंडे का यूज कर लेंगे। तो ये बड़ा ही हेल्पफुल होता है हमारे लिए, है ना, नेचुरल लॉग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने भी। और आप चाहो तो इसको प्रूव भी कर सकते हो कि ये फॉर्मूला कैसे आता है। एक्चुअली आपको एक वैल्यू और याद रख लेनी चाहिए, किसकी बच्चों, ln 2 की। ln 2 की वैल्यू कई बार बहुत काम आ जाती है ना, जैसे यहाँ पे ln 2 होता तो मैं ये काम नहीं करता, मैं डायरेक्ट लिख लेता इसकी वैल्यू। उसकी डायरेक्ट जो वैल्यू होती है बच्चों वो आप याद रखेंगे, ln 2 की वैल्यू होती है 0.693, या इसको अप्रोक्सीमेटली 0.7 यूज कर लेते हैं ना। तो ln 2 की वैल्यू याद करो, बाकी किसी भी ln की वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। और ln जो आपका 10 है उसकी वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, याद करने की जरूरत नहीं। उसकी वैल्यू जो होती है वो 2.303 होती है, 2.303। तो आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। देखो आपको ln x बताना है, 10 बेस पर बताना है, तो ln x क्या हो जाता है, ln x मतलब आपका log जिसकी बेस e हो और वैल्यू x हो, और हमें बेस चेंज फॉर्मूला पता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चों, नए बेस पर, तो नया बेस हम 10 ले लेते हैं, तो log 10 बेस पर x अपॉन log 10 बेस पर e। अब देखो इसको रेसिप्रोकल कर दो तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, है ना, ऊपर ले जाए तो ऊपर ले जाएंगे, तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, तो लॉग बेस ई और वैल्यू 10 मल्टीप्लाइड बाई लॉग एक्स, है ना, 10 बेस पर एक्स की वैल्यू पावर हमें चाहिए, तो लॉग एक्स बोल दिया मैंने। तो यहाँ से ln x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, देखो
लॉग 10 to the base e की वैल्यू क्या है, मैंने अभी आपको बताया 2.303, तो यहाँ पे 2.303 रख दोगे और ये आ जाएगा लॉग एक्स। तो देखो ये प्रूफ हो गया कि ln x इज इक्वल टू 2.303 लॉग एक्स। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गया ना, और ये कन्वर्जन जो फैक्टर है बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ये भी आपको समझ में आया होगा है ना, तो इसको अच्छे से पढ़ लेंगे और याद रखेंगे, छोटी छोटी बातें हैं ये बच्चों। जो हमें बेसिक बेसिक चीजें लॉग की पता होनी चाहिए वो मैंने आपको बता दी, मैथ्स में इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, और कई सारे आप सवाल करते हो ना तो वो तो आप मैथ्स में सीखेंगे ही। तो यहाँ पे जो फिजिक्स में यूज होने वाली बातें हैं, छोटी छोटी है ना इंपॉर्टेंट बातें, वो सारी मैंने आपको कवर कर दी है ना। अब हम एंड की तरफ हैं, लेक्चर को एंड ही कर रहे हैं, उससे पहले आपको एक मैं एग्जाम्पल और करा देता हूँ और थोड़ा सा ग्राफ के बारे में बताता हूँ, उसके बाद हम इसको एंड कर देते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं आपसे ऐसा एग्जाम्पल पूछूं कि भाई बताओ लॉग एक्स है ना, कुछ नहीं दिया है तो 10 base है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, माइनस लॉग एक्स -5 इज इक्वल टू 3। तो आपसे बोला गया फाइंड एक्स, तो आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ऐसा एक्सप्रेशन दिया गया है और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे भाई, लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर लो, लॉग एम माइनस लॉग एम क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसका हम सॉल्यूशन करें तो बड़ा ही सिंपल है, आप लोग भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। प्रॉपर्टीज का यूज करो, प्रॉपर्टीज का यूज होना ही होना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज का यूज है ना, बिना उसके नहीं बनेगा। तो ये आपका ये हो गया, अब बेस आपकी 10 हो गई, पावर 3 हो गई, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, पुराने रूप में ले आओ है ना बच्चों। तो पुराने रूप में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हम लॉग को वापस से ए की पावर एक्स इक्वल टू वैल्यू लिख रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि टेकिंग एंटी लॉग, ऐसा बोल देते हैं, एंटी लॉग ले रहे हैं, एंटी लॉग मतलब वापस से जो आपका बेस अपॉन बेस और पावर इक्वल टू वैल्यू फॉर्मेट था वो लाना है ना। तो हम बोलेंगे कि एंटी लॉग ले लो, एंटी लॉग ले लिया तो बेस 10 है, उसकी पावर 3 है और वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, एक्स। तो ऐसा लिखना, तो हमने लॉग से इस फॉर्म में लाया तो हम बोलेंगे ये एंटी लॉग लिया, एंटी लॉग है ना बच्चों, एंटी लॉग। अब वैसे भी एंटी लॉग की भी टेबल होती है, यहाँ पे तो ये आसान हो जाता है क्योंकि यहाँ पे 3 जो है तो 10 की पावर 3 आ गई, तो इसकी वैल्यू हम जानते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए 3.1 होता, 3.2 होता, तो यहाँ पे 3.1 आता, 3.2 आता, तब हम सॉल्व नहीं कर पाते, तब एंटी लॉग की टेबल देखनी पड़ती है, उसकी अलग टेबल है, फिर उससे वैल्यू निकालते हैं ना। तो खैर हमारे फिजिक्स में उतना ज्यादा यूज नहीं होता है एंटी लॉग का, इसलिए उसमें ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप तो ऐसा समझो लॉग से जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, जो हमारा मेन फॉर्मूला था बेस की पावर एक्स इक्वल्स टू वैल्यू, तो हम इसको लाने के लिए बोल देते हैं कि हम एंटी लॉग ले रहे हैं है ना। तो टेकिंग एंटी लॉग, तो ये वापस से आ गया है ना। और अगर यहाँ पे पॉइंट होता, ऐसी वैल्यू होती जिसकी पावर हमें, पावर की वैल्यू हमें पता नहीं होती, तो फिर हम क्या करते उसके लिए टेबल देखते एंटी लॉग की है ना बच्चों। लेकिन हमारे को फिजिक्स में कम ही यूज होता है ये, उतना ज्यादा यूज नहीं होगा, इसलिए हम सिंपली ऐसे ही लिख लेंगे। तो 10 की पावर 3 हो गई और ये वैल्यू हो गई। अब देखो 10 की पावर 3 जो है वो 1000 होता है, ये तो आपको पता है, और ये एक्स माइनस फाइव उधर जाएगा तो 1000x-5000 है ना, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, और इज इक्वल्स टू एक्स। अब ये 5000 जाएगा, एक्स इधर जाएगा तो प्लस, ये एक्स इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1000-1 999x, और ये 5000 इधर जाएगा तो ये 5000, तो आपकी एक्स की वैल्यू आ गई कितनी बच्चों, 5000/999। देखो निकल आया कितनी आसानी से एक्स की वैल्यू है ना। तो इस तरीके से लॉग्स का यूज किया जाता है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। और जैसे कि मैंने फिर से बोल रहा हूँ मैं आपको कि सिर्फ ये फिजिक्स में यूज होने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है लॉगरिथम, ये आपको केमिस्ट्री में भी जाएगा, जब केमिकल काइनेटिक्स आप पढ़ोगे है ना, बहुत सारे चैप्टर पढ़ोगे, फिजिक्स में तो आएगा ही, आरसी सर्किट, एलआर सर्किट जब आप 12th में पढ़ोगे, 11th में थर्मोडाइनेमिक्स में आने वाला है ना, तो काफी जगहों पे आने वाला है। और मैथ्स में तो है ही आपको सेक्शन, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जब 12th में पढ़ोगे तब भी आएगा ही। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बस इसको खत्म करते हैं, एक लास्ट सेक्शन पढ़ते हैं, ग्राफ्स, ग्राफ्स ऑफ लॉगरिथम, ग्राफ्स ऑफ लॉगरिथम है ना बच्चों। अब ये ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो देखो तो यहाँ पे दो तरीकों के ग्राफ बनते हैं ना, मतलब y एक्सिस हम कोई ऐसा फंक्शन ले लेते हैं
मतलब इस तरीके का इक्वेशन बना लेते हैं, वाई और एक्स में ग्राफ लिखेंगे, वाई इज इक्वल्स टू, हम मान लेते हैं जो हमारा लॉग है, तो लॉग कोई भी बेस ए ले लो और एक्स ले लो, वैसे यहाँ पर वाई इज इक्वल्स टू लॉग ए और एक्स, तो एक्स एक्सिस पे एक्स ले लेंगे और वाई एक्सिस पे वाई ले लेंगे, ठीक। तो इस तरीके का जब हमें ग्राफ बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने दोनों में सेम लिखा है लेकिन दोनों में अंतर है बच्चों, यहाँ पे जो ए की वैल्यू है ये ग्रेटर देन वन है, याद रखेंगे ए की वैल्यू ग्रेटर देन वन के लिए ग्राफ बनाऊंगा मैं इस साइड, और यहाँ पर ए लेस देन वन के लिए बनाऊंगा, याद रखो इस बात को, यहाँ पे मैं ग्राफ बना रहा हूँ ए लेस देन वन के लिए, मतलब जो ए की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे वैल्यू आपका 0 और 1 के बीच में है, वो ग्राफ बनाऊंगा, और यहाँ पे ग्रेटर देन वन है, और आपको कुछ बातें याद रखनी है, ये ग्राफ जो है ये तभी वैलिड है, उसकी कुछ कंडीशंस हैं जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ। पहली कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जो एक्स होना चाहिए ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ए की वैल्यू नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब नेगेटिव बेस पे हम नहीं बना रहे ग्राफ को, और दूसरी बात ए की वैल्यू 1 भी नहीं होना चाहिए ना, तब ये ग्राफ होता है। और हमारे फिजिक्स में जो कंडीशन यूज होती हैं जब हम ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिजिक्स में जब ग्राफ यूज होंगे तो इन्हीं कंडीशंस पे होता है, बाकी इसके अलावा जो कंडीशंस है जिसमें ए नेगेटिव हो सकता है, ए 1 हो सकता है, वैसे ग्राफ्स आपको मैथ्स में सिखाए जाएंगे, जो हमारे फिजिक्स के लिए जरूरी है ग्राफ, सिर्फ मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो वाई एक्सिस पे अपन ने वाई ले लिया, एक्स एक्सिस पे एक्स ले लिया, अब एक्स की वैल्यू रखो तो आपको वाई की वैल्यू मिलेगी इसको सॉल्व करने पर, और ए की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो आपका जो ग्राफ है बच्चों वो इस तरीके का आता है ऐसा। और जब आप यही काम इसमें करोगे कि जो ए की वैल्यू है वो 0 से, कैसा है बच्चों, 0 से 1 के बीच में है, तो आप ध्यान से देखो, तो यहां पर जब ग्राफ आप ड्रॉ करोगे तो ये ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे ये याद रखना आप लोग, है ना, अगर ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में तो ग्राफ ऐसे बनता है, और ए से बड़ा है तो ग्राफ ऐसे बनता है। देखो इसमें जब एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है, और इस वाले में एक्स बढ़ रहा है तो वाई घट रहा है, तो ये जो फंक्शन है इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन है ना बच्चों, और ये जो है ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि ये वाई की वैल्यू को डिक्रीज कर रहा है जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है, और इसमें एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे वाई की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर ए ग्रेटर देन 1 है और ए 0 और 1 के बीच में है तो आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो ग्राफ डिक्रीज करेगा, इसमें ग्राफ इंक्रीज करेगा, है ना। तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी, है ना। अब ऐसे ग्राफ जैसे मैंने आपको बताया कि ए ग्रेटर देन 1 होता है, तो कभी भी आपको इस तरीके का आ जाए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, इस टाइप का आपका एक्सप्रेशन आ जाए, वाई इज इक्वल टू लॉग ई की बेस एक्स, ई मतलब एल एन, इसको एल एन एक्स भी बोल सकते हैं, तो एल एन एक्स का ग्राफ यही होगा इंक्रीजिंग फंक्शन वाला, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ई जो है वो ग्रेटर देन 1 होता है, ई की वैल्यू 2.71 होती है ना बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था, या फिर आपको निकालना है तो इस तरीके का ग्राफ किसके लिए आएगा, लॉग एक्स के लिए भी इसी तरीके ग्राफ आएगा, क्योंकि अब बेस 10 है जो ग्रेटर देन 1 है ना। वैसे इसके लिए आप ध्यान से देखो तो इसके लिए एग्जाम्पल क्या क्या है, आपका 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, तो अगर आपके ऐसी एक्सप्रेशन आ रहा है वाई इज इक्वल टू लॉग, वाई इज इक्वल टू लॉग 5/3 इंटू 5/3x, उल्टा लिख लो 3/5x, तो 3/5 जो है वो 1 और 0 के बीच में होता है, तो उसके लिए आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा, या फिर आप ऐसा लिख लो वाई इज इक्वल टू लॉग 1/3x, तो देखो इसका बेस अभी भी 0 और 1 के बीच में है, तो उसके लिए भी ऐसा ग्राफ बनेगा, है ना। तो इस तरीके से आपके अलग अलग ग्राफ बनेंगे। अच्छा, इस ग्राफ में आपको कुछ बातें भी और भी समझ में आएंगी अगर आप ध्यान से नोट करें, तो देखो जब आपकी x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है, तो ये ग्राफ कहाँ जा रहा है बच्चों, देखो 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 देखो, माइनस इंफिनिटी पे, है ना, ये तो एंड नहीं हो रहा ना, ये तो नीचे जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, और नेगेटिव साइड जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, सबसे जो लास्ट की वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी मानते हैं हम, तो माइनस इन्फिनिटी, यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं इस ग्राफ को देखते हुए कि जो आपका लॉग ए बेस, जब ए ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 पर अगर लॉग ए बेस पे 0 लिखोगे तो उसकी वैल्यू होगी माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, है ना बच्चों। और
आप ध्यान से देखो, जब x की वैल्यू इन्फिनिटी हो गई, x की वैल्यू इन्फिनिटी जा रही है, तो y भी इन्फिनिटी हो गया, प्लस इन्फिनिटी। x की वैल्यू भी इन्फिनिटी और y की वैल्यू भी इन्फिनिटी, तो log a बेस पर अगर प्लस इन्फिनिटी आ रहा है x, तो y भी प्लस इन्फिनिटी के बराबर होता है ना बच्चों। तो ये याद रखेंगे, ये इंक्रीजिंग फंक्शन में होता है, जबकि डिक्रीजिंग फंक्शन में उल्टा होता है। आप देखो, log a जब a 1 और 0 के बीच में है, तो x की वैल्यू जब 0 है तो y का प्लस इन्फिनिटी है। तो जब a 0 और 1 के बीच में है और x 0 है, तो आपकी जो y की वैल्यू है, मतलब इसकी वैल्यू है log 0 टू द बेस a, तो इसकी वैल्यू आपकी प्लस इन्फिनिटी है, देखो आप। और log इन्फिनिटी, x की वैल्यू इन्फिनिटी है तो y माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है। log इन्फिनिटी टू द बेस a व्हेन बेस इज बिटवीन 0 एंड 1, तो आपका जो इसका रिजल्ट आएगा वो आएगा माइनस इन्फिनिटी। तो इन दोनों में उल्टा रिलेशन है, देखो आप, होगा भी ऐसा है ना। तो इन बातों का भी आप अच्छे से ख्याल रखेंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी है ना। और ऐसा होना भी चाहिए बच्चों। देखो, अगर इसको आप देखें तो ये बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि इसमें देखो आप क्या करोगे, यहां पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, ए की पावर माइनस इन्फिनिटी, इसको तो ऐसे ही लिखेंगे, ए की पावर माइनस इन्फिनिटी। ए की पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब 1/a की पावर इन्फिनिटी, और किसी भी वैल्यू जो ग्रेटर देन 1 है उसकी पावर इन्फिनिटी, तो बच्चों इन्फिनिटी होता है, तो 1/∞, तो उसका जो वैल्यू है वो क्या होगा, 0। तो देखो वैल्यू 0 लिखी हुई है, ये आप सेटिस्फाई भी कर सकते हो। वैसे इसके लिए भी आप ऐसे सोच सकते हो, अगर आपको ऐसे समझने में दिक्कत जा रहा है तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो दोनों तरीकों से मैंने आपको आपको यहाँ पर समझा दिया है, ठीक है बच्चों। बाकी आपको सोचना है, आप घर पे इसके बारे में सोचिएगा। बाकी ग्राफ का नेचर याद रखिएगा, ऐसा होता है, और ए ग्रेटर देन 1 होता है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और 0 और 1 के बीच में होता है तो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। इन बातों का आप खास तौर पे ध्यान रखेंगे, है ना बच्चों। तो ये लॉग की वो सारी चीजें थी जो हमें फिजिक्स में यूज आती हैं, तो फिजिक्स में यूज करने के लिए सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो मैंने वो आपको बता दिया। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो हमारे काम की नहीं होती हैं, वो आपको मैथ्स में काम आएंगी, है ना, तो वहां देख सकते हो आप लोग। तो बच्चों, यहाँ पे हम लोग लॉक खत्म करते हैं, बाकी की चीज अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।